तूने इसकी आंखें देखी कितनी खूबसूरत है। अब अगर एक आंख देखना बंद कर दे। पुप्पा जो कुछ भी हुआ है आपके जाने के बाद पुप्पो गवाह है उस चीज की। नहीं चाहिए मुझे गवाही, कोई गवाही नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि तुमने अरसल के साथ मिलकर इस घर के खिलाफ साजिश क्यों की। तू अगर चाहती है ना कि तेरी बहन हादिया जिंदा रहे तो इस फोन के बारे में किसी को कुछ ना बताना, ठीक है? बंटवारा बेटियों का, एक जरूरी बात बतानी है आपको, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उस्ताद ने आपको मारने का प्लान बनाया है। हर बात का जवाब नहीं होता मेरे पास, मेरे दिमाग मत खाओ, जाओ। जफर सच सच बताओ, फिर से किसी चक्कर में तो नहीं फंस गए? बड़ी कीमत अदा की है मैंने वापिस आने की। और ये कीमत मैं वसूल करके रहूंगा। सबा ने मेरे साथ जो किया उसका मजा तो मैं उसे चखाऊंगा। उसे इस घर में अब आराम से नहीं रहने दूंगा मैं। ले लीजिए जुबैर, ये दवाई खा लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। हैं? दवाई खा लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। खाना खाएंगे ना इसके बाद? ये लीजिए। खाना लगाऊं आपके लिए? खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे। मेरे दिल में इस वक्त अलाव रोशन, जो जुल्म के पहाड़ मुझ पर तोड़ेगा ना वो वही करवा सकता है जो मुझसे शदीद नफरत करता हो। हाँ। आप फिर वही बातें कर रहे हैं, पता नहीं किन हालात से गुजर कर आए हैं। अपने दिमाग पर बोझ मत डालिए। आराम नहीं होगा मुझसे। दिमाग मेरा भट्टी बना हुआ है, दिल मेरा भट्टी बना हुआ है समीना। क्या किया था इस बच्ची के साथ? इसका अच्छा ही तो चाह था ना मैंने, अच्छी जगह मंगनी कराना चाह रहा था। उसका ये सिला मिला है मुझे। तुम्हारी भतीजी के बारे में एक बड़ा होकर सोचा, एक बड़ा बुजुर्ग होकर सोचा, क्या बुरा कि अपनी निगाहों में गिरना क्या होता है समीना? मुझसे पूछ, नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं किसी से। इससे तो अच्छा ही मुझे जहर देकर मार देती, मेरा मेरा गला घोट देती, जान से मार देती मुझे। जुबैर तुम गलत सोच रहे हो। समीना मेरा दुख मत बढ़ाओ, मेरी तकलीफ में इजाफा ना करो जो मैं भुगत कर आया हूं। 3 दिन तक उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, जगाए रखा है, खड़ा किए रखा है। पलक झपकता था तो मुझे उठा देते थे, ठोकर मार के उठाते थे। मैं चीखता रहा, फरियाद करता रहा, इन्हें वकील के लिए बात करता रहा। उन्होंने तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था, मुझे तो हवालात में भी नहीं रखा। इसका मतलब मुझ पर कोई चार्ज नहीं था, किसी के कहने पर यह मेरे साथ किया जा रहा था। उफ समीना, क्या बताऊं, कितना दुख सहा है मैंने, कितनी तकलीफ सही है मैंने, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सबा की वजह से। नहीं जुबैर, तुम सूरत हाल को समझ नहीं रहे हो। नहीं समझ रहा हूं ना, तो बुलाओ उसे,
बुलाओ ना, मैं उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अच्छा ठीक है, कर लेना बात, लेकिन थोड़ी देर आराम तो कर लो, फिर जो तुम्हारे दिल में आए बता देना। समीना, जुबैर, प्लीज जुबैर, सो जाओ, तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा, सो जाओ अब। सुकून, सुकून तो अब मुझे सबा को मार कर ही मिलेगा। सारा, 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 तुम्हारी खाला का फोन आया था, वो अगर तुमसे मिलना चाह रहा है तो वो बुला रही थी तुम्हें। खालू, खाला ने तो सख्ती से मना किया है कहीं बाहर जाने से। तो खाला ने जाने से मना किया था ना, अब वो खुद फोन करके बुला रही है तो मैं क्या करूं? खालू, क्या मैं एक बार खाला से बात कर लूं? नहीं, मैं झूठा हूँ, मेरी बात का कोई एतबार नहीं है तुम्हें। खालू, ये बात नहीं है, बस आप दो मिनट मेरी बात करवा दें खाला से। अरे मेरे पास बैलेंस भी नहीं है, फोन की बैटरी भी डेड हो गई है, तुम तैयारी करो प्लीज। लेकिन खालू। देखो सारा बेटा, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, और तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो, समझदार हो, मेरा यकीन करो, तुम्हारी खाला ने तुम्हें फोन करके बुलाया है, अभी कॉल की थी उन्होंने। अच्छा चलो एक बात करते हैं, रस्ते में डलवाऊंगा बैलेंस और तुम्हारी बात करा दूं, ठीक? जी खालू। और हाँ, वो उन्होंने ये भी कहा है कि दो चार सूट रख लेना अपने, वो अभी वहीं रहेंगी दो चार दिन। हाँ जी खालू। तो बस जाओ, जल्दी से तैयार हो भाई। सारा बेटा जल्दी तैयारी कर लो, देर हो रही है। ठीक है। ले रोटी खा ले, अरे ले, अरे ले ना। और सुन, जे ज्यादा सख्त लगे ना रोटी, ये पानी के साथ ले ले, रख पीसा दे, रीत दे। काम में तारा मन ना लग रहा, बात सुन छोड़ी, ये तेरे मांगने का टेम है, तो अभी तू मांग कर ला, जब तेरी मांग बढ़ जाएगी ना तब मांगने की जरूरत ना है, पर अभी तू मांग मांग कर लाएगी, ऐसा समझदार है? क्या हुआ, पैसे कम लाइए? ले आवेगी, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मुझे तो फिक्र है ना,
हम जिसे मांगने भेजते हैं तो 3,000 से कम नहीं लाता, इसीलिए कह रहा हूं तुझसे, इसे दे दे मुझे। तू बाज ना आवेगा ना गुलजारे। रानी ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? इसे मेरे हवाले कर दे, बरसों से मंगवा आ रहा हूं, मैं मंगवाऊं पर पैसे ना मिले। रानी किसी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस सारा खेल तरस का है, दिल को नरम करने का खेल। दिल कैसे नरम होता है पता है तुझे? कैसे? जब मांगने वाला देने वाले के दिल में तरस पैदा करते हैं। के बके जा रहा है तू? तरीका बता रहा हूं। तूने इसकी आंखें देखी कितनी खूबसूरत है। अब अगर एक आंख देखना बंद कर दे या जाया हो जाए, लोग क्या सोचेंगे? इतनी खूबसूरत बच्ची और इसकी एक आंख ही नहीं। डाल दे तेजाब इसकी आंख में। ये जो हर वक्त नाराज रहती है ना मुझसे, नाराज भी भूल जाए। दे दे इसे मुझे। तू सोच नहीं पा रही है या फैसला नहीं कर पा रही है? दे दे इसे मुझे। लेकिन वक्त ही बताएगा कि हवालात में कौन होगा और कौन नहीं। अगर आप इज्जत से बात करेंगे ना तो ही इज्जत मिलेगी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप क्या सबक पप्पा हैं। सबीना क्या हो गया? सबक बोला। सबक हो? अभी रात हो रही है, आप आराम करें, सुबह बात कर लीजिएगा। सुबह बात नहीं, मुझे अभी बात करनी है। सबक को बुलाओ। जब मैं कह रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ उसने पलट के नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, खैरियत से हूँ कि नहीं हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, कुछ नहीं पता। आपको तो पता है वो मसरूफ है, हर वक्त पढ़ती रहती है। अच्छा, यानी कि इतना बड़ा वाकया हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, मुझ पे पहाड़ टूट पड़े, तुम पर पहाड़ टूट पड़े, उसको अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है। बुलाओ उसे। सबा सबा। घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, वो पलट कर नहीं पूछ। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। मेरी जान जाते जाते रह गई है और तुम्हारी पढ़ाइयां खत्म नहीं हो। पुप्पा जो कुछ भी हुआ है आपके जाने के बाद, पुप्पो गवाह है उस चीज की। नहीं चाहिए मुझे गवाही, कोई गवाही नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि तुमने अरसल के साथ मिलकर इस घर के खिलाफ साजिश क्यों की, बोलो। मैंने कोई साजिश नहीं की है पुप्पा। सुन रही हो समीना बेगम,
यानी कि तुम खुद अंदाजा करो, मंगनी से आधे घंटे पहले एक शरीफ आदमी का घर का दरवाजा खटखटाया जाता है, वो समझता है कि बारात आ गई, वो दरवाजा खोलता है, सामने पुलिस वाला खड़ा है, उसे बिल्कुल कुछ बताए बगैर उसे पकड़ कर ले जाता है, तो ये किसकी साजिश हो सकती है? उन्हीं लोगों की ना, जो नहीं चाहते थे कि ये मंगनी हो। तुम जिस सरकशी का मुजाहरा कर रही थी वो मैं और समीना दोनों जानते थे। समीना, मैं एक बात बता दूं, अगर मैं मर भी जाता ना तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ना था। प्लीज जुबैर चुप हो जाएं। जब तुम घर पर नहीं थे तो सबा ने ही मेरा साथ दिया, इसने ही अरसल को बोलकर आपकी रिहाई करवाई है। तो हो गई ना बात क्लियर। समीना बेगम, इनका तो हिसाब वो है कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो, यानी पता ही नहीं चलता कि कत्ल भी कर डालती हैं और करामात ऐसी दिखाती हैं कि दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। मेरी कनपटी पर रखकर ये बंदूक चलाकर अपने करतूत छुपाती हैं। कौन नहीं जानता कि ये क्या रंगरलिया कर रही है? क्यों बस कर दे फुप्पा? ऐसे कैसे बस कर दूं? सुबैर, बात को इतना ना बढ़ाए, अल्लाह का वास्ता है आपको। समीना बेगम, तुम्हारे रवैये में जो मैं बदलाव देख रहा हूँ ना, मुझसे छुपा हुआ नहीं है। जब से मैं आया हूँ तुम इसका साथ दे रही हो, इससे तो साफ जाहिर है इससे तुम्हें भी कोई जादू कर दिया तुम पर। बंगाली बाबू से लेकर तावीज घोल के पिलाया इसने, इसे तो बिल्कुल हमारा ख्याल नहीं है कि हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। फुप्पा, अगर मुझे फुप्पी का ख्याल नहीं होता ना तो मैं कब का ये घर छोड़कर जा चुकी होती। लेकिन अब आपने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। अब तक तो मैं बर्दाश्त करती आई हूँ, लेकिन आप बार बार मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है, फुप्पो को भी पता होना चाहिए कि आपका किरदार किस कदर घिनौना है। फुप्पो, सुनना चाहेंगी अपनी शौहर की हरकतें? मुझे तो शर्म आती है बताते हुए। देख रही हो समीना बेगम, ये किस तरह की इल्जाम तराशियां कर रही है मुझ पर? मेरी तबीयत खराब हो रही है समीना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। सबा, तुम अपने कमरे में जाओ। इसकी इसकी बदतमीजियां देख, मेरे जीने को दिल नहीं कर रहा। मुझे जहर दे दो समीना, मुझे जहर दे दो, मुझे मर जाने दो। सबा, मैंने कहा ना तुम फौरन अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ जुबैर? क्या तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर, डॉक्टर लेट जाइए आप, लेट जाइए आप। पानी पी ले, पानी। डॉक्टर अमजद को फोन कर दो। हाँ करती हूँ, आप जल्दी बुलाओ। करती हूँ फोन। बहुत बदतमीजी है इसने, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। हेलो अमजद भाई, जुबैर की बहुत तबीयत खराब हो रही है, आप आ सकते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाँ हाँ हाँ। इस रानी ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। तुम लोगों की वजह से मेरा सारा धंधा खराब हो गया। उस्ताद, आपने क्यों उस बच्ची को अपने जहन पर इतना सवार कर दिया? अबे पैसे दिए उसके मैंने। अगर रानी को बच्ची चाहिए थी भीख मांगने के लिए तो बस्ती में बच्चे भरे पड़े। उस्ताद, आप भी कुछ तो सोचकर करेंगे। यही तो पता करना है। जब से ये बच्ची आई है मेरी जान मुसीबत में आ गई। रानी पता नहीं किस बात की मुझसे दुश्मनी कर रही है। पहले तो घर में बड़े सुकून से आराम से रहती थी। उस्ताद, मेरा एक मशवरा है। भाभी जो सोचकर उस बच्ची को उसकी बहन के हवाले कर रही है ना, वो काम आप खुद क्यों नहीं कर लेते? अबे इसमें बड़ा रिस्क है। उस्ताद, कितना बड़ा रिस्क है? और ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करते? वैसे भी आपने भी तो बच्ची के लिए कुछ सोचा था ना। जितना पैसा वो बच्ची का देते उससे ज्यादा तो उसकी बहन दे देगी। भाभी को क्या पता चलेगा? बच्ची तो पूरा दिन मेरे पास रहती है। बड़ा दिमाग चल रहा है आजकल तेरा है। उस्ताद, बस पैसा कमाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन मेरा हिस्सा डबल होना चाहिए। देख रही हो समीना बेगम कि मेरे साथ हो क्या रहा?
इससे तो बेहतर था कि मैं वहीं मर जाता, खत्म हो जाता। देख रही हूँ मैं घर में जो मुझ पर तोहमतें लग रही हैं वो तो ना लगती। मैं बचूंगा भी कि नहीं बचूंगा? हौसला रखें जुबैर, कैसी बातें कर रहे हैं। मैं उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। जुबैर सच में सबा ने बहुत मदद की है मेरी, जब आप नहीं थे ना तो उसी ने संभाला है मुझे। और एक वो आपका भांजा है हारिस, 5 लाख रुपए लेकर चला गया आपकी रिहाई के सिलसिले में मुझसे। क्या हारिस ने ये किया? बड़ा बेमुरव्वत बदखसलत इंसान, पूछूंगा मैं उससे इसने ऐसा क्यों किया। हाँ तुम्हें भी सभा से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मौका देखकर मैं खुद ही बात कर लूंगा। जुबैर बात ये नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि सभा ने ऐसी बात कही है। तुम भी ज्यादा ना सोचो, तुम्हारा दिल का मसला है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर तुम्हारा दिल बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा। प्लीज जुबैर अब मरने की बातें ना करें। फिर भी तुम मुझसे वादा करो तुम सभा से कोई बात नहीं करो। ठीक है नहीं करूंगी, लेकिन अब आप सुकून से सो जाए। अरे भाई सुकून ही सुकून होगा अगर घर का माहौल अच्छा हो जाए तो। चल थोड़ा आराम कर ले, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कितनी खूबसूरत बच्ची है, अपने बचपन में मैं भी तो इसकी तरह मासूम सी थी, हंसने खेलने वाली, पर वक्त ने कैसे के बना कर रख दिया मैंने। अगर मैं इसकी बहन से पिस्सा मांगूं तो कितना मिलेगा मैं? मेरी कनपटी पर रखकर ये बंदूक चलाकर अपने करतूत छुपाती हैं। कौन नहीं जानता कि ये क्या रंगरलिया कर रही है? क्यों सबा? सबा तुम मेरे सबर का इम्तिहान ले रही हो। असल ये किसी का इम्तिहान नहीं है, ये सिर्फ मेरा इम्तिहान है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे किसी और से वो बातें करनी है जो मैं आज तक छुपाती आई हूं। कल तुम मुझे लेने आ जाओ। ठीक है सबा, मैं तुमसे मजीद कुछ नहीं पूछूंगा, जो भी तुम्हारा फैसला है ना मुझे मंजूर है। थैंक यू अर्सल हर चीज के लिए। तकलीफ हो रही है, पता नहीं कहां कहां चोटें लगी हैं भाई। क्या सोच रही हो? हाँ वो
कुछ नहीं, बस ऐसी उदासी सी हो रही थी, दिल बोझल सा हो रहा है। नहीं कुछ तो है समीना, पता नहीं मुझे क्यों महसूस हो रहा है तुम कानों की कच्ची होती जा रही है। मैं अगर सबा पर शक कर रहा हूं तो ठीक नहीं कर रहा। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूं, सबा इतने अरसे से हमारे साथ है, उसकी ये हालत क्यों है? रोज एक नया ड्रामा हो रहा है घर में। बिल्कुल सोला ने बात सच कही, ड्रामा ही हो रहा है, वो ड्रामा ही कर रही है। अब सुनो फिर सच बात, मैं जिन संगीन हालात से गुजरा हूं ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया भी था कि जिस दिन मंगनी थी उसी दिन अरसल ने मुझे फोन करके धमकी दी थी, और अल्फाज में बता दूं क्या थे उसके। जब मैंने कहा कि आइंदा तुमने अगर इधर फोन किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, तो उसने कहा कि देखते हैं कि पुलिस को आप बुलाते हैं या मैं बुलाता हूं, आप जेल जाते हैं या मैं जेल जाता हूं, ये उसने कहा था। नहीं नहीं जुबैर, वो ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें तो असल खतरा सफर भाई से था ना, और हमें भी यही शक था कि वो ही कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जितनी बेइज्जती सन्या की यहाँ हुई थी ना, उससे तो यही लगता था। अरे नहीं नहीं, मुझे इतना अंदाजा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा मैंने ये सोचा था कि जफर आकर यहाँ घर पे शोर शराबा करेगा और चला जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुझे उठवाया गया है, मारा पीटा गया है, इसमें जरूर इन दोनों का याद है। यही दोनों मुझसे शदीद नफरत करते हैं, क्योंकि शायद मैं इनके दरमियान कोई रुकावट हूं। और वैसे भी अरसल बड़े माँ बाप का बेटा है भाई, बड़ा आदमी है, असर रसूख रखता। तो फिर उसने आपको छुड़वाया क्यों? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? अरे भाई ये तो नफ्सियाती बात है, हीरो बनने के लिए। पहले पकड़वा दिया, फिर हीरो की तरह से एंट्री मार के मुझे छुड़वा लिया, ताकि हमारी हमदर्दियां मोल ले सके। हेलो, हादिया की बहन बात कर रही है। जी जी, हादिया की बहन बात कर रही हूँ। हादिया कहाँ है और तुम कौन हो? अरे जितने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे बाबा, पर बात सुन। तू अगर चाहती है ना कि तेरी बहन हादिया जिंदा रहे, तो इस फोन के बारे में किसी को कुछ ना बताना, ठीक है? चल रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। हाँ निम्मो, तू तुम्हारे कोई काम की ना सी, पर तारा मोबाइल बड़ा काम का है। लेकिन जुबैर, मैंने तो मदद सबा से मांगी थी ना। हाँ तो उसने फौरन अरसल का नाम ले लिया होगा, ऐसे ही हुआ है ना। देख लो, और फिर उसके बाद उसकी जो चोरी मैंने पकड़ी, और उसके बाद जो मेरी हालत है, तो मुझे तो हार्ट अटैक भी हो सकता है भाई। समीना बेगम, तुम्हारे वाली हालत होती जा रही है मेरी। इतना दिल कमजोर हो गया कि दरवाजे पे खटका होता है ना, तो दिल की धड़कन 200 को क्रॉस कर जाती है। तो जुबैर, जब इतना मसला है ना, तो हम सबा और अरसल के बारे में अच्छा भी सोच सकते हैं। हाँ सबा, सब खैरियत है? अरसल कुछ ठीक नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसे मार देंगे, वो
हादिया को मार देंगे। तुम प्लीज कुछ करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, प्लीज कुछ कर। सबा प्लीज काम डाउन, हुआ क्या मुझे बताओ तो सही। अर्जुन अभी उसी नंबर से कॉल आई थी। अच्छा फिर क्या हुआ? कोई औरत थी, कह रही थी अगर हादिया को जिंदा देखना चाहती हो तो प्लीज इस कॉल के बारे में बताना मत किसी को। सर प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बहन बहुत मुश्किल में। सब मुझे एटलीस्ट पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या है? अरसन इसके अलावा कोई बात नहीं हुई है, हादिया बहुत मुश्किल में, प्लीज कुछ करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। अच्छा सबर, रिलैक्स, तुम खुद को रिलैक्स करो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, ठीक है? प्लीज कुछ करो वरना हादिया को कुछ हो जाएगा, और उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, मैं करता हूँ ना, मैं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, और सुबह तुमसे आके मिलता भी हूँ मैं।